हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस, मैंने अभी मुर्गे खोल दिया है। कबूतर सभी अंदर है। अभी इनको बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ मैं। इनको दो चार कबूतर को पकड़ कर हम थोड़ा दूर ले जाकर छोड़ेंगे। देखते हैं अभी कबूतरों ने इलाका देखा कि नहीं। देखता हूँ, पकड़ता हूँ पहले कबूतरों को। पहले मैंने चार कबूतर पकड़ लिया है। पहले इनको उड़ा कर लेते हैं, उनके बाद में जो भी गाय भैंस अंदर है उनको बाद में निकालेंगे। तो अभी इनको लेकर चलते हैं हम। अभी हम इनको लेकर चलेंगे वहाँ पर जहाँ गाड़ी चल रही है ना, वहाँ पर चलते हैं इनको लेके सबको। उसके वहीं पे चल के उसके बाद दिखाता हूँ मैं। अभी आप यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे हमारा घर अभी यहाँ से वहाँ पर है। वहाँ पे दिख रहा होगा ये पेड़, पेड़ दिख रहे हैं वहाँ पर। तो काफ़ी दूर आ गया हूँ मैं, इतने अभी ज़्यादा भी नहीं। और ये सभी कबूतर हाथ में पकड़ रखे मैंने। तो देखते हैं अभी इनको छोड़ते हैं। 1 2 3 इधर छोड़ते हैं अभी इनको। अभी गए सभी कबूतर, ये देखते हैं अभी किधर जाते हैं। अभी ये चार को चार कबूतर उधर गए हैं घर के तरफ ही। ये वहीं पे जाके बैठ गए अभी सभी कबूतर। तो वैसे अभी हमने यहाँ से काफ़ी दूर छोड़ा था, सीधे सट कबूतर बिल्कुल सीधा वहीं पे जाके बैठा है हमारे घर पर ही। चल चलते हैं घर पे, चल के वहीं पे देखते हैं कहाँ पे बैठे हैं। सबके सभी गए हैं, चार के चार ही टोटल। इसमें भी घर पे आ चुका हूँ यहाँ पे खेत पर। तो यहाँ पे सभी कबूतर आके बैठ गए। ये तीन यहाँ पे बैठे हैं और एक और इधर साइड में बैठा है। और जो दो कबूतर अंदर बचे थे वो भी बाहर आके बैठ गए, ये नहीं भी बैठे। और सभी मुर्गे बाहर ही है। तो मैं भी जो भी गाय हैं सबको अंदर हैं उनको सबको बाहर निकाल लेता हूँ पहले, उसके बाद मिलते हैं। कबूतर नीचे आ गए ये और सभी कबूतर गुटक रहे एक दूसरे पर, मतलब अपने अपने जोड़े हैं जो उन पर। और अभी जो दो कबूतर है, ये कबूतर क्या पता ना रहेगी मादा ही जो इधर वाली है, उस पर गुटक रहा है अभी। उसके साथ जोड़ा लगा लेगा ये। और मैंने अभी जो भी गाय भैंस उनको बाहर नहीं निकाला है क्योंकि अभी इन्होंने छांदी आंदी नहीं खाई थी। अब देखता हूँ खाई कि नहीं, अभी भी नहीं खाई है लेकिन खा ही नहीं रहे वो। इनको बांध देता हूँ बाहर, उसके बाद मिलते हैं। मैंने अभी सभी गाय भैंस को बाहर बांध दिया है। और जो लाल वाली गाय और काली वाली दोनों गायों को वहाँ पे तालाब में छोड़ दिया मैंने, और बकरी को भी। ये सभी कबूतर नीचे ही है अभी। और जो अभी जंगली कबूतर का बच्चा है उसको मैं दाना खिला लेता हूँ। आपको दाना खिलाते हुए मैं दिखा देता कैसे दाना खिलाता हूँ मैं। तो अभी मैं पहले खिला लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। इस बच्चे को दाना खिला दिया है, इसका पेट फुल हो चुका है। तो इसको वापस ही डिब्बे में रख देता हूँ मैं। इसमें से ये बाहर नहीं निकलता अभी, इसलिए इसमें रख दिया अभी। और सभी कबूतर को दाना डाल दिया है मैंने, दाना ना खा लिया है उन्होंने। अब ऐसे घूम रहे हैं ये सभी कबूतर। और अभी ये गाय वापस आ गई, तो इसको वापस इधर तालाब में नीचे कर देते हैं उसको, बकरी को भी। चल और वो लाल वाली गाय वहाँ पहुँच गई फसल खाने, तो उसको भगा के लाता हूँ पहले मैं। इसको नीचे कर देता हूँ। आपसे यहाँ पर ले वापस लेकर आ गया हूँ। और जो काली वाली गाय है उसको प्यास लगी थी तो पानी पीने आ गई थी, तो इसने पानी वानी पी लिया अभी ये। इसको वापस हम वहीं पर ले चलते हैं, वहीं पर खुद ब खुद चल जाएगी वो। चल अभी नहीं आ रही, तो इसको यहीं पे बांध देते हैं अभी। मैंने अभी उस गाय को वहाँ पे बांध दिया है कि वहाँ पर गाड़ी के आगे। तो इसको वापस नीचे तालाब में छोड़ देते हैं। वो गाय को देखना रखना देख कर रखना पड़ेगा, नहीं तो वापस चल जाएगी फसल में वहाँ पे। अभी तो वहीं पे चल रही है गाय, अभी चढ़ने देते हैं उसको। और सभी कबूतर अभी नीचे ही घूम रहे हैं। अभी सभी मुर्गी बाहर ही चुग रही है, अभी यहीं पे चुग रही है। और कबूतर सभी उड़ के वहाँ पे बैठ गए। अभी सब नीचे चुग रहे थे और सभी कबूतर भी। अभी यहाँ पे एक कबूतरी और ऊपर इसकी पेड़ की चोटी पर जाके बैठ गए सभी कबूतर। और अभी देखता हूँ पहले घर वालों ने अंडे निकाले कि नहीं, या फिर उसके अंदर रखे। लग तो रहा है निकाल लिए होंगे, इसको देखते अभी। इसमें तो नहीं है, अभी फिर अंदर देखता हूँ मैं अंदर है कि नहीं। अंदर देखते हैं कितने मुर्गे ने अंडे दिए कितने नहीं दिए। अभी यहाँ पे तो नहीं है। और इसमें वैसे एक अंडा पड़ा है, उठा लेता हूँ मैं इसको। एक अंडे को उठा लिया मैंने। और इधर देखते इधर है क्या, नहीं इधर भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। अभी तो नहीं हो, बच्चे कहाँ हैं कबूतर जंगली कबूतर का बच्चे यहाँ पे बैठे हैं कई साइड। और अभी कबूतरों को देख लेते हैं हम, अभी कबूतरों को एक बार गिन लेते हैं।
बस इस अंडे, एक अंडा ही है, क्या पता किसने दिया, इसको रख देता हूँ मैं। ये तो बस मैंने भी अंडे को रख दिया, और कबूतरों को देख लेते कितने कबूतर बैठे हैं अभी यहाँ पे। अभी आधे ऊपर बैठे हैं यहाँ पे, एक ही बैठा है। तो वैसे अभी सभी कबूतर यहाँ पे बैठे ऊपर पेड़ पर, और मुर्गी सभी अभी बाहर ही है। बस एक अंडा दिया है, तो अभी सभी कबूतर जोड़े पे आ रहे हैं, मतलब जोड़ा वोड़ा लगा लिया, बस अंडे पे आने वाले हैं। कम से कम 10-15 दिन में अंडे दे देंगे, कोई ना कोई कबूतर दे देगा, क्योंकि दो दो जोड़े मीटिंग कर रहे हैं अभी। अभी एक जोड़ा लग रहा है, क्या पता वो कबूतरी एक कबूतर है वो, एक और है जो, देखते हैं कब तक जोड़ा लगाते हैं, लगता है कि नहीं, और अंडे अंडे कब तक देते हैं। अभी कबूतर वहाँ से नीचे आकर सभी अंदर से बैठ गए, ये बैठे सभी कबूतर भी अंदर, ये सभी कबूतर ने जोड़ा लगा लिया। अभी देखते हैं कितने कुछ दिन में अंडे देंगे। बस इन दोनों भी लगा लिया, इन दोनों ने भी, और ये पर अभी ये दो, इन दोनों का जोड़ा है और बच्चा बैठा है, इनको इसको दाना खिला दिया मैंने अभी थोड़ी देर से, थोड़ी देर पहले खिला दिया था। और दो इन दोनों का जोड़ा लग गया, एक किन्नर है और एक इसमें मादी बैठी, इन दोनों सबका जोड़ा लग गया सभी कबूतरों का। और ये अंडे अभी नहीं दिए, ये अंडा जैसा बस उठा लेता मैंने, देखते हैं सभी कबूतर, मुर्गी बाहर ही है उनको बंद कर देंगे थोड़ी देर से भी। तो गाइस अभी सभी गाय भैंस को अंदर बांध दिया है, बस ये 3-4 बच्चे हैं, इनको बांध दूंगा अभी मैं। और अभी सभी मुर्गी बाहर ही है, अभी इनको थोड़ी देर से बंद कर दूंगा, और सभी कबूतरों को बंद कर दिया है, सभी अंदर ही है अभी, ये सभी कबूतर अंदर बैठे अभी। और अभी सभी कबूतरों का जोड़ा लग गया है, बस ये दो कबूतर बचे, देखते हैं इनका जोड़ा कब तक लगता है, क्या पता नर है मादा है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी करना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।